जो महंगाई का सवाल है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार इस बात को कहती है कि पेट्रोल डीजल पे उसका नियंत्रण नहीं है, लेकिन सरकार की ही गलत नीतियों की वजह से डीजल पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है। और अगर आप आकलन करेंगे डीजल पेट्रोल की जो कंपनियां हैं आखिरकार वो मुनाफा क्यों कमा रही हैं, और इतने बड़े पैमाने पर जो मुनाफा कमाया जा रहा है आखिरकार ये मुनाफा जा कहां रहा है। अगर ये मुनाफा गरीबों के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो अच्छी बात है, किसानों की खुशहाली के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन लगता ये है कि जो डीजल पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़ने से जो मुनाफा हो रहा है वो बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े कारोबारी उनको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ये फैसला ले रही है। और ये पहले से पता था, जनता के बीच में ये बात रखी थी कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये सरकार महंगाई बढ़ाएगी और महंगाई लगातार इस सरकार में बढ़ेगी। सर, शपथ ग्रहण को लेकर आपने बात कही कि आप नहीं जाएंगे, अभी जबकि मेगा इवेंट बनने जा रहा है, कुछ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को आमंत्रण आया सर अब तक? समाजवादी पार्टी को जनता ने जो जनादेश दिया है वो संघर्ष का जनादेश दिया है। समाजवादी पार्टी को जनता का संघर्ष का जनादेश मिला है। और जहां तक सवाल आयोजन का है, खुशी जरूरी है, खुशी मनाए भी, लेकिन ये कंटिन्यूटी की सरकार है, ये सरकार लगातार चल रही है। और जो सरकार 5 साल में कोई ऐसा स्थान न बना पाई हो जो उन्हें प्रेरणा दे सके, कम से कम समाजवादियों का काम उन्हें प्रेरणा देगा कि आने वाले समय में ऐसा काम करें। चुनाव परिणाम में देखने को मिला था कि मायावती जी का वोट फाड़ दिए गए, कई समाजवादी ये पर्चे नहीं दाखिल कर पाए। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी गुंडों का सहारा लेकर के लोकतंत्र को खत्म करने में लगी है। और ये पहला उदाहरण नहीं है, याद कीजिए वो लखीमपुर में जिस समय बहनों के साथ जो व्यवहार हुआ था, उनके कपड़े छीन लिए गए थे, उनकी साड़ी खींच ली गई थी, कपड़े फाड़ दिए गए थे। और इसी तरह जो कल हुआ है एटा में, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए गुंडे ही उतर आई है। और आखिरकार डीएमएसपी क्या कर रहे थे, उतनी खड़ी हुई पुलिस क्या कर रही थी, ये पूरी की पूरी सरकार की साजिश थी। डीएमएसपी पूरे मिले हुए थे, अगर डीएमएसपी नहीं मिले होते तो शायद ये ऐसा नहीं होता। सर, मायावती जी का पूरा वोट परसेंट शेयर हो गया था जिस तरह की दिखा चुनाव परिणाम में बीजेपी की तरफ, लेकिन कल वो ट्वीट करके कह रही है कि सपा ही मिली हुई है, नेताजी की भी उदाहरण वो दे रही थी। समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत पर आगे बढ़ने जा रही है। जो सिद्धांत उन्होंने दिया, आज भी असमानता बड़े पैमाने पर बढ़ी है, गैर बराबरी बढ़ी है। आर्थिक रूप से देखिए आप, कुछ लोग तो कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं आप गरीब को देखो, उसे अनाज पर जीवन यापन करना पड़ रहा है। और यूथ कितना निराश हुआ है, जब तक अर्थव्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक यूथ को नौकरी नहीं मिलने वाली। वही यूथ जो पिछले 3 साल 4 साल से इंतजार कर रहा था कि उसे नौकरी और रोजगार मिलेगा, सरकार के सामने चुनौती भी है कि आखिर सरकार इतनी नौकरी रोजगार कैसे देगी। और मुझे नहीं लगता है ये सरकार यूथ के भविष्य को बेहतर कर पाएगी। आपने करहल का डिसीजन लिया है आजमगढ़ के ऊपर, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी को संघर्ष का जनादेश मिला है और सदन में रहने का मौका मिला है, सदन से लेकर के सड़क तक समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ेगी। सर, आप जिन जगहों से चुनाव लड़े हैं, अगर आपने सीट छोड़ी है, पारिवारिक संबंध रखे हैं, हमेशा परिवार के लोग वहां पर जाके लड़े हैं, तो क्या आजमगढ़ छोड़ रहे हैं आपकी पत्नी? ये आजमगढ़ के लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, वहां के कार्यकर्ताओं नेताओं से बात हुई है, जो आजमगढ़ के नेता कार्यकर्ता तय करेंगे वही फैसला समाजवादी पार्टी लेगी।